Uh, welcome again dear friends and students to the subject engineering drawing in the previous lecture we discussed that what is the scale uh, today we will see that how can the scales can be expressed on different uh, sheets uh, as well as on uh, in different uh, forms uh, so here uh, we will discuss uh, the three expression types of scales. the first one you can see here is engineers scale, the second one is graphical scale and the third one is a representative fraction. So let discuss uh, each of them one by one. तो अगर आप देख ले first number पे हमारे पास आ रहा है engineers scale, तो engineers scale क्या होता है? हम कैसे उसको express करते हैं किसी भी sheet पे या drawing पे? तो first of all हमारे पास ये है कि कोई भी object है आ, उस ऑब्जेक्ट को जब हम शो करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बेथ ये फॉर एग्जांपल मैं इस लिख इस तरह लिख लेता हूँ एक्स एक्स डैश और ये लिख लेता हूँ वाई वाई डैश तो मतलब ये इसकी लेंथ्स है और इन लेंथ को मैं शो करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर स्केल तो मैं कैसे शो करूँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेंथ है ये एक्स और एक्स डैश के बीच ये है वन किलोमीटर या इस तरह लिख लेता हूँ इधर वाई वाई डैश के बीच जो डिस्टेंस है वो वन किलोमीटर है तो अभी चूंकि मेरे पास शीट पे स्पेस कम होती है तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको कुछ यूँ शो करता हूँ कि ये किलोमीटर जो बड़ी यूनिट है इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है इंजीनियर स्केल में इधर मैं लिख लेता हूँ कि इंजीनियर स्केल में ये के वन किलोमीटर जो है किलोमीटर को मैं बराबर कर लेता हूं वन सेंटीमीटर का या वन किलोमीटर को मैं बराबर ले, ले लेता हूं मिलीमीटर का या वन किलोमीटर को मैं बराबर ले, ले लेता हूं uh, कुछ आप इस तरह कह सकते हैं कि वन इंच का तो ये इस किस्म के uh, जो हम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं छोटी यूनिट्स में अपनी ड्राइंग शीट पर ड्रा करने के लिए अपनी आसानी के लिए तो ऐसे कहते हैं इंजीनियर्स स्केल तो आप इस तरह देख सकते हैं कि अभी मैं कोई दूसरी लेंथ ले लेता हूँ जैसे कि मेरे पास है एक एक और ऑब्जेक्ट है जैसे कि मैं इस तरह इस, इस ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एट फीट और इसी एट फीट को मैं शो करना चाहता हूँ ड्राइंग शीट पे तो चूंकि इस लेंथ बड़ी ज़्यादा है इसको मैं कोशिश करूँगा कि चौथी कर लूँ मैं अपने लिए तो वन सेंटीमीटर को मैं बराबर ले लेता हूँ टू फीट के बराबर तो ये मेरे पास आ जाएगा कि टू सेंटीमीटर फोर के बराबर हो जाएगा थ्री सिक्स के और फोर सेंटीमीटर हो जाएगा फोर सेंटीमीटर एट फीट के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाता है इंजीनियर्स स्केल में दूसरा है ग्राफिकल स्केल तो ग्राफिकल स्केल दरअसल एक ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल इसका हम ग्राफिक स्केल ही ड्रा कर लेते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए हम स्केल ही ड्रा करते हैं जिस तरह हम ये लिखते हैं वन फोर इज एक टू एट या वन इज एक टू टू या किलोमीटर सेंटीमीटर हम इस तरह इसमें नहीं लिखते हैं बल्कि क्या करते हैं ग्राफिकल स्केल इसके लिए बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल स्केल में हम तब यह करते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल ये एक शीट है तो शीट पे मैं इस तरह एक स्केल ड्रा कर लेता हूँ पे यूनिट्स होती हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इधर मैं ले, ले लेता हूँ सेंटीमीटर्स का और साथ में इधर आ जाएगा यहाँ जीरो से शुरू होकर नाइन तक और या टेंथ तक तो ये मेरे पास आ जाते हैं सेंटीमीटर और दूसरी सरफ, तरफ पे मेरे पास आ जाएंगे सेंटीमीटर से जो छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर तो इस तरह के स्केल हम उस पर शो करते हैं शीट्स पे तो ये ग्राफिकल स्केल कहलाते हैं और तीसरा जो एक्सप्रेशन ऑफ स्केल्स है वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसी जिस तरह हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए हैं इंजीनियर स्केल में तो इसी तरह ये भी एक, एक रेशियो होती है आ, जैसे कि मैं ले, ले लेता हूँ वन सेंटीमीटर इज टू हंड्रेड मीटर के बराबर ठीक है तो ये मेरे पास ऐसे मैंने रेशो बनानी है तो ये वन सेंटीमीटर अपनी जगह पे मैं लिख लूँगा और हंड्रेड अपनी जगह पे आ जाएगा साथ में ये मैं इधर वन हंड्रेड और मल्टीप्लाई कर लूँगा सेंटीमीटर को लाने के लिए तो यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर आ जाएगा अभी आप देख सकते हैं क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो मैंने यहाँ पर सौ सेंटीमीटर लिख लिए हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड तो इससे बन जाएगा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन थाउजेंड सेंटीमीटर चूंकि आप इधर देख सकते हैं कि दोनों अतराफ पे यूनिट सेम आ रही है तो यूनिट्स जब सेम हो रहे में तो उसको हम काटते हैं वो उसकी कोई यूनिट नहीं होती मतलब दो इस तरह entities जिसके बीच एक ही यूनिट हो तो वो यूनिटलेस हो जाती है तो वन इज इक्वल टू वन ट इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं वन रेशो टेन थाउजेंड या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाय टेन थाउजेंड तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो चाहे आप इसको स्केल पे ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लेते हैं चाहे आप उस पर ग्राफिकल स्केल लेते हैं या चाहे आप उस पर इंजीनियर्स स्केल लेते हैं तो ये पे डिपेंड करता है नेक्स्ट uh, लेक्चर में देखेंगे कि किसी ग्राफिकल स्केल को हम कैसे ड्राइंग शीट पे ड्रा कर सकते हैं और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर उसकी टाइप्स देखेंगे और हर टाइप में फिर एक एक हर एक टाइप में फिर उसके उसी से लिंक्ड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ तक इस छोटे से टॉपिक की आपको समझ आयोगी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़